तो रानी से पूछ के राजा कुनंद उस चंद्रहास को रख लेता है वहां, और जो टैक्स दिया करता था, कर दिया करता था, उसकी चंद्रहास ने टाल करवा दी। कहा, पिताजी हम अपने घर संपन्न हैं, हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हमारे यहां फौज है, हम राज करते हैं, हम किस बात का टैक्स दें? उस दस्तबूदी दीवान का टैक्स देने से इनकार कर दिया और वहां पर चिट्ठी भेज दी, भाई टैक्स की टाल है। चिट्ठी में हरेक बात लिख दी, यदि टैक्स लेना चाहता है तो हम भाई लड़ाई भी कर सकते हैं और लड़ने के लिए तैयार भी है। उधर से ये बात सुन के अपने आप को जानदार मान के, ठाडा मान के, और दशभुत विद्वान फौज को चढ़ा लेता है। उधर से चंद्रहास ने फौज चढ़ा दी, घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में चंद्रहास जब हैवी पड़ना शुरू हुआ, भारे पड़ना शुरू हुआ, तो दोनों तरफ से हाथ उठा लिए जाते हैं, शांति का माहौल बन जाता है। और राजा दीवान चंद्रहास के पास आया और कहा कि भाई मित्रता के हाथ बढ़ा ले, और उसका चेहरा पहचान लिया कि यू तो वो चंद्रहास समझ जो छोरी का बिटेऊ बना था। भाई चंद्रहास हम और तुम आज से मित्र हैं, कोई टैक्स की बात नहीं। बैठ जाते हैं, उधर से राजा कुलंद भी आ जाते हैं। दो चार दिन दशबुद्धि दीवान वहां डाट्या, उसने कहा भाई दो चार दिन और रुकेंगे। भाई चंद्रहास एक काम भूला है, मतलब बहुत जरूरी था, और तू जवान है, तू भाज कर लिया होता है घना बढ़िया है के कहो महाराज, भाई एक चिट्ठी ले जा और मेरा लड़का मदन मिलेगा वहां, तू जानता ही है कि हाँ जानता हूं। भाई यह चिट्ठी बना पढ़ने, बना पढ़े और ये बस्ते में बंद कर दी, इसको जाकर और मदन को दे देना, यू काम तेरा है। राजा दीवान ने चिट्ठी लग के बक्से में बंद करके और उसकी कड़के बांध दी चंद्रहास के, और वहां से कुंतलपुर की तरफ चालू कर दिया। जब कुंतलपुर में पहुंचता तो दोपहरी का टाइम था, उन्हें सोची रहे थोड़ी बार विश्राम कर ले, और शाम के टाइम पे तू मदन तो मिल लिए, आज तो वापस जा सकता ना, रात को तो रुकना ही पड़ेगा। यह विचार करके और बाग में बैठ जाता है, बाग में देखता है जोर का तालाब है और एक बहुत बढ़िया कमरा बना हुआ, उसकी शोभा को देखकर और घोड़े को बांध देता है। तेरे घोड़ा बांध दिया जमुन के, और तार अरे पाचू हथियार, अरे चंद्र हास तलाव में नाते लौट गया कमरे से बाहर, घोड़ा बांध दिया जमरे से तार दे पाचू हथियार, चंद्र हास तलाव में नाते लौट गया कमरे से बाहर, घोड़ा बांध दिया जमरे से तार दे पाचू हथियार, सस्ते में वह चिट्ठी तो बांध ली बस्ते में, अरे नो सोचन इतने पोचो रे फटक बंद हो कुछ उठे ना ओ पहरेदार, चंद्रहास तलाव में नाते लो
हाथ रोके और पलंग पर लौट गया और न सोचने लगे बच्चा ना सुनता रहो बदो गरी सोओगे। ए रमन क्या है कि परवाना बेशक लौट जाओ महल और उस कमरे में बड़े कहीं पर महंगा टंगरा है कहीं पर साड़ी टंगरी और न सोची भाई तकेरा बाग कदे जना ना हो और बेशक लौट जाओ महल और अन्य छमत दिखाने बाग जना ना और अन्य छमत दिखाने बाग और लेंगे येरा साड़ी टंगरी लेंगे चार खुली डोरी पूरी पंखे की नीचे बिछड़ी सब पर सार अरे घोड़ा बांध दिया संभल के मार दरे मार तो हथियार संतरा सतना में भागे लोच गया कमरे सवार अरे घोड़ा बांध दिया संभल के मार दरे मार तो हथियार बिहंगा करके उठ जा पलंग के ऊपर बैठ के और विचार करने लग गया कि भाई बेरानी क्यों करके होगा कदे तो इतना भारा दुश्मन था मैंने जीत मरवाओगा मरवाओ था और आज मित्रता का हाथ है पता नहीं क्या होगा उसने बिहंगा और कदे बैठ जा रे कदे लौट जा कदे बैठ जा कदे लौट जा न्यो मन में कर रहा सोच विचार बेरन ठोकर पार पड़ेगी तो सुन के लिया हो गया प्यार घोड़ा बांध दिया संभल के मार दरे मार हथियार सुंदर हाथ सतला में भागे फरक के दा धर्म रूप की चंडी अरे हवा चल रही है ठंडी अरे हवा चल रही ठंडी अरे नोके खुल रहे पड़े फुहार सोचते सोचते आंख लाग गई गीता के उठे झनकार घोड़ा बांध दिया चमड़ के God.